जी तो एक ऐसे देवता है ना, उन्हें वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की। लंका गए तो ना वीजा लिया ना पासपोर्ट, घुस गए। अब फ्लाइट की भी जरूरत नहीं है, अब वो तो यूं ही चले जाते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज तो ऐसे देवता है, और लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने क्या अद्भुत लीला रची, लंका को भी जलाया, जानकी जी की खबर भी लाए। पर हनुमान जी इतने ताकतवर, अतुलित बल धामम एम सैला विदेयम धनुजेवन कृषान ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम। साधु कहते हैं हनुमान जी इतने बल के निधान है, इतना बल है कि जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो जामवंत जी से हनुमान जी पूछते हैं कि आप हमें बताओ हमें लंका जाके करना क्या है, आप कहो तो मैं लंका को ही उठा लाऊं। हनुमान जी का बल देखना, आप कहो तो मैं लंका को ही उठा लाऊं। और गोस्वामी जी ने चौपाई में भी लिखा सुंदरकांड, राम दूते अतुलित बल धाम, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, राम दूत अतुलित बल धाम, राम दूत अतुलित बल धाम। राम जी के दूत श्री हनुमान जी हैं, अतुलित बल है हनुमान जी, हनुमान जी में इतना बल है हनुमान जी को स्वयं पता नहीं। आप लोगों को हम निवेदन करें, हम लोग हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं ताकि इनको इनका बल बता सके। इनको भूलने की बीमारी है, भूलते नहीं है, श्राप है। ये इतने मस्त रहते राम नाम में कि इन्हें याद करवाना पड़ता कि आपने क्या क्या किया। और हनुमान जी में कितना बल है भैया पूछो मत, अतुलित बल, अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, अतुलित बल अतुलित। हनुमान जी में अतुलित बल है, अपार बल के दाता श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। पर हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा, वापस आकर के जानकी जी की खबर राघव जी को दी श्री राम जी को, और कहा कि आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हम भी मार देते रावण को, हम भी लंका का विनाश कर देते, पर जब तक पुल नहीं बनेगा, राम जी लंका नहीं आएंगे, तब तक इन राक्षसों का कल्याण नहीं होगा। राक्षसों के कल्याण के लिए राम जी ने एक सेतु बनाया, पुल ब्रिज, उस ब्रिज पर चढ़ करके, उस पुल पर चढ़ करके वानर भालू कपीस आदि आदि जा करके लंका पहुंचे, उसके मध्य में हमारे राम जी सरकार रघुनाथ जी रघुवीर जी रघुनंदन जी राम जी वहां जाकर के रावण का वध करते। किसी ने रावण से पूछा कि तुम मर रहे हो, तुम्हें पता है ये भगवान है, रावण कहता हमें पता है ये भगवान है, फिर आपने राम जी से उपद्रव क्यों किया, द्रोह क्यों किया, राम जी से विरोध क्यों किया। पता है रावण क्या कह रहा था, रावण कह रहा था हमें पता है ये भगवान है, लेकिन हमने भगवान से इसलिए द्रोह किया ताकि उद्धार हो सके। तो किसी ने पूछा उद्धार तो आप कभी भी करवा सकते थे,
वहीं सामने जाकर के कोई ऐसा बड़ा उपद्रव करते तो राम जी बाण मार देते, तुम्हारा स्वाहा हो जाता, उद्धार हो जाता, मर जाते। रावण बोला हम तो मर जाते लेकिन हमारा जो परिवार है ये कैसे इनके दर्शन कर पाता। इसलिए जानकी जी का हरण रावण करके लंका में रखता है ताकि राम जी जानकी के बहाने, जानकी कौन है, मैया जानकी है भक्ति, मैया सीता है भक्ति, और राम जी बिना भक्ति के सहारे कहीं जाते नहीं। जब तक भक्ति लंका में नहीं पहुंची राम जी लंका नहीं गए। जानकी जी भक्ति हैं, राम जी वहां रहते जहां भक्ति है, और भक्ति के बाद भक्त ना पहुंचे तब भी राम जी नहीं आते। कथा बहुत गौर से सुनना साधु, बिना भक्ति के भगवान नहीं आते और बिना भक्त के भी भगवान नहीं आते। भक्ति है जानकी जी, भक्त है हनुमान। जब तक जानकी जी हनुमान नहीं पहुंच गए तब तक भगवान राम लंका नहीं आए। उसी प्रकार मैं निवेदन करूं, जब तक आपके जीवन में भक्ति है कथा, हनुमंत कथा है भक्ति, आपके चित्त में जिस दिन हनुमान जी बैठ जाएंगे तो हो गई भक्त, भक्ति भक्त, फिर बचे भगवान। जिस दिन कथा में आपके अंदर बैठ जाएगी, हनुमान जी का अनुकरण जिस दिन आप कर लोगे उस दिन राम जी अपने गले आपको लगा लेंगे। हम लोग कहते हैं महाराज जी राम जी हमें दिखते नहीं, हमें मिलते नहीं। दरअसल आपका स्टेप ही गलत है, रास्ता ही गलत है। हम डायरेक्ट छत पर चढ़ना चाहते, हम डायरेक्ट बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाहते, बिना पुरुषार्थ के, बिना स्टेप के, बिना सीढ़ियों के सहारे के। पहला स्टेप है भक्ति, दूसरा स्टेप है भक्त, पर तीसरा स्टेप पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद उतर के चले आते, वो है भगवान। जो मैं राखूं एक पग, भगवान कहते हैं जो तू राख है एक पग, मैं राखूं पग साठ। तुम अगर एक पग मेरे लिए चलोगे, राम जी कहते हैं हम साठ कदम दौड़े चले आएंगे। हम अपने जीवन काल में जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू ना रही सके रति रजनी एक ठा। हनुमान जी लंका गए, लंका से वापिस आकर के राम जी से कहते हैं कि आप सेतु का निर्माण करो फिर लंका चलो, और हमारी बुद्धि कहती है भूमिका में, वही काम हमारे पूज्य सिद्धाश्रम वाले महाराज जी करते हैं। आप भारत जा नहीं पाते हैं, आप कथा सुन नहीं पाते हैं, कथा टीवी पर तो बहुत सुनते हैं पर सानिध्यता में कथा नहीं मिल पाती है, तो सानिध्यता का प्रभाव दिखाने के लिए, स्वभाव दिखाने के लिए भारत से महापुरुषों को लाला करके बैठार देते हैं और परोसवा देते हैं। जो उसकी शरण में आ जाता उसको राम जी मिल जाते हैं। वो काम हमारे महाराज जी का, ये बड़वारी नहीं है, एक और याद रखना, ये प्रशंसा नहीं है, ये सत्य है, ये बोध है, सत्य है। और भैया